छिंदवाड़ा से बड़ी खबर के साथ। जी हां, इंतजार कल का है क्योंकि कल अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 20 राउंड में पूरी मतगणना हो जाएगी, 20 राउंड लगेंगे। मतगणना के लिए 17 टेबल्स लगाई गई हैं। पोस्टर बैलेट के लिए भी 4 टेबल्स लगाई जाएंगी जिनमें पोस्टर बैलेट की गिनती की जाएगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। केवल और केवल अधिकृत पासधारी व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे। शासकीय पीजी कॉलेज में मतगणना होगी। देखिए, कल मतगणना होने वाली है, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और छिंदवाड़ा के बाद में अगर हम अमरवाड़ा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर उपचुनाव 10 जुलाई को हो रहे थे और अब इसके बाद में कल इसका रिजल्ट आने वाला है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और सबसे खास बात की देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाजपा, कांग्रेस और गुणवाना गणतंत्र पार्टी में। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कौन इस उपचुनाव में बाजी मारने वाला है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके बीच में ये टकरार देखने को मिल रही है। देखिए, बीजेपी की ओर से कमलेश शाह प्रत्याशी, तो वहीं धीरन शाह कांग्रेस प्रत्याशी है। तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से प्रत्याशी देवरावन भलावी को बनाया गया था। और अब वैसे आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव में 9 उम्मीदवार थे लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला इन तीनों प्रत्याशियों में देखने को मिल रहा था। और अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर कल अगर रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट किसके पक्ष में होगा। और ये भी बता देते हैं कि चुनाव में खास क्या रहा। जी हाँ, 9 प्रत्याशी जो कि किस्मत आजमा रहे इस चुनाव में। इस चुनाव के दौरान देखिए, ये देखा गया त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना। आपको बता दें कि 78.71% मतदान हुआ है। इसके अलावा देखिए, 332 पोलिंग बूथों पर वोटिंग हुई है, 78.71% मतदान और 332 पोलिंग बूथों पर वोटिंग। 20,02,957 लोगों ने वोटिंग की और पिछले चुनाव की अगर तुलना करें तो 10% वोट कम पड़े हैं। 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आप देखिए नतीजों की तरफ सबका ध्यान है। कल नतीजों की तारीख और सबका ध्यान नतीजों की। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये भी बता देते हैं कि आखिर यहां पर उपचुनाव क्यों हुआ था। तो आपको ये बता दें कि कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके साथ ही कमलेश ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अमरवाड़ा सीट खाली हो गई थी और इसीलिए अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुए हैं। तो 10 तारीख को चुनाव हो चुके हैं और अब 13 यानी कि कल रिजल्ट आएगा। और सबसे खास बात आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इस सीट पर 14 बार चुनाव हो चुके हैं जिनमें से 11 बार कांग्रेस जीती है। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार जो अमरवाड़ा का अखाड़ा है उसमें कौन जीतेगा। और मतगणना की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है कलेक्टर ने, चलिए वो सुनते हैं। ये जो पीजी कॉलेज में जहाँ विधानसभा के उपनिर्वाचन की मतगणना होना है उसको स्ट्रांग रूम का जो विजिट करने के डीजी और पुलिस अधीक्षक को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसके तहत हम लोग उसको देखने आए थे। साथ साथ चूँकि काउंटिंग भी अब परसों होनी है तो उसकी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने देखने लिया। ऑलरेडी इसकी तैयारियाँ पहले से भी चल रही हैं। तो 2 काउंटिंग हॉल है जिनमें काउंटिंग होगी, 17 टेबल ईवीएम के लिए रहेंगे, 1 पोस्टर बैलेट के लिए रहेगा और 2 ईपीपीवीएस के लिए रहेंगे। यहाँ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए CAPF, SAF और फिर डिस्ट्रिक्ट फोर्सेज से 3 लेयर सिक्योरिटी है, प्लस CCTV कैमरा से उसकी निगरानी जो कैंडिडेट्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रख रहे हैं।